आज 2 मार्च 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है सुबह 11:05 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे 12:40 पर। और आज विजया एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की थी, पर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत किया और समुद्र ने प्रभु राम को मार्ग प्रदान किया। तब से इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। मेष राशि वाले खुद को इतना सक्षम बना लें कि आपको बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाए, और वो लाभ किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आपके कामकाज की बेहतर होती हुई स्थिति से बन पाएगा। ये और बात है कि आपकी ओर से फिर भी बहुत सारी कमियां बनी रहेंगी। हो सकता है आपका मन काम में उतना ना लगे जितनी की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आलसी होने से बचना होगा और किसी भी तरह के ऐसे परिवर्तन से भी बचना होगा जिसमें सिर्फ रुकावटें ही नजर आ रही हैं। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें ताकि यथास्थिति भी बनी रहे और जिंदगी का सुख और सुकून भी आपके लिए भरपूर बना रहे। वृषभ राशि वालों को काम से जुड़े मुद्दों को संभाले रखने के लिए हर तरह की मदद मिल रही है, जिसके चलते लोग आपकी अच्छाई को समझ सकें और आपके प्रयास की सराहना कर सकें। ये और बात है कि आपकी ओर से कुछ और बेहतर करने की अभी भी गुंजाइश। क्या करना चाहिए समय में? हर हाल में अपने लिए अच्छाई ढूंढ लें और अपने भटकते हुए मन को थाम लें। हर मुश्किल को अगर जुनून की भावना से संभालने की कोशिश की जाए तो वही मुश्किल आसान हो जाती है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि तकदीर इसलिए आपकी मदद कर रही है क्योंकि आपकी मेहनत नजर आ रही है, पर आपकी मेहनत के बावजूद कामकाज से जुड़े हालात को संभालने में अभी भी समय लग सकता है, जिसके लिए आपको लोगों से तालमेल को बेहतर तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने व्यवहार पर भी काम करना होगा और लोगों को भी बेहतर तरीके से समझना होगा। ये सब कुछ इस वजह से हो पाएगा क्योंकि आपके अंदर सूझबूझ बहुत है जो आपको लोगों से जोड़े रखे। अपनी कोशिशों को इतना मजबूत कर दें कि लोगों को आपको समझना ही पड़े। कर्क राशि वालों को लोगों को समझना है तो अपनी बातों में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। कोई किस चीज का क्या मतलब निकाल ले इस बात से भी बचना होगा, और इसलिए अपने मन को बहुत ज्यादा शांत करके ही आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई को हर रूप से समझने की कोशिश कर लें, पर अपने मन में बढ़ते हुए द्वंद्व को हटा दें। रिश्तों में सुख और सुकून बना रहेगा तो उसका अच्छा असर आपके कामकाज की स्थिति पर भी पड़ेगा, जिसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। सिंह राशि वालों की ये अच्छाई है कि आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं और इस चीज़ के अच्छे नतीजे भी मिलेंगे, क्योंकि रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को संभालने के लिए एक एक कदम आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और लोगों से जुड़ने के लिए आपका पहला कदम सही दिशा में पड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों का सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत बड़ी बात, पर ऐसे में आपको अपनों का समर्थन मिलता चला जाए तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। इस समय की कमी है कि पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह के नुकसान का असर यह होगा कि लोगों से तकरार बढ़ जाएगा और लोग आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, पर लोगों से जुड़ने में आपकी ओर से भी कोई ना कोई कमी रही है जिसे समय रहते संभालना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समय में? आपकी जिंदगी में लोगों की जो भी भूमिका है उसकी अच्छाई को देखना होगा और उसकी सराहना भी करनी होगी, चाहे आपके दोस्त हों या आपके रिश्तेदार। अगर हर कोई आपको समझने की कोशिश करेगा तो आपको भी अपने कदम उसी रूप से आगे बढ़ाने होंगे। तुला राशि वाले ही समझ लें कि अपनी मेहनत से अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का समय है, जिसमें आपकी लगन बनी रहे और कुछ बेहतर पाने की उम्मीद जगी रहे। अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटा दें, आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? व्यर्थ के बदलाव के बारे में सोचने के बजाय यथास्थिति बनाए रखने का समय है। आपकी आर्थिक स्थिति भी इसी वजह से बेहतर होती चली जाएगी और हालात आपकी पकड़ में आ जाएंगे, पर किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि कोशिश करने से ही घर परिवार की खुशियां बनी रहेंगी और कामकाज से जुड़ा सुकून भी बना रहेगा। ये इस वजह से होगा क्योंकि आप अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने बढ़ते हुए रोष को भी संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी ने जो कुछ भी दिया आपको उससे सुकून पाना होगा और अपने अंदर बहुत सारा संयम बनाने की कोशिश करनी होगी। हर चीज़ को अच्छाई की नज़र से देखेंगे तो लोगों से किसी भी तरह के तकरार से बच सकेंगे और जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। क्या ना करें समय में? किसी यात्रा या बदलाव के बारे में ज़रूर सोचें और उसके चलते मन में किसी भी तरह की शक की भावना ना आने दें। हर चीज़ में कमियां निकालने की आदत ठीक नहीं होती और गलती होती चली जाती है।
धनु राशि वालों के हालात इस रूप से आपके सामने आएंगे जो आपको नई प्रेरणा दे सकें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन को बढ़ा सकें। ये और बात है कि अपने हालात को पूरी तरह से समझने के लिए और उन्हें बेहतर करने के लिए अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर तेज़ी से बदलता हुआ समय है, इसलिए बदलते हुए वक्त की कई परतें आपके सामने खुलती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए समय? कुछ पढ़ने या सीखने के प्रयास में आपको दूर जाना पड़े तो ऐसा विचार बना लें। ऐसा करने से आपके भविष्य के रास्ते खुल जाएंगे, पर इस समय की प्राथमिकता को समझें ताकि कुछ भी सीखने या समझने में आपकी अच्छाई उभर कर आए। मकर राशि वालों की ज़िंदगी में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, पैसा आने की भी संभावनाएं हैं और पैसा संभाल ना पाए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ में आपकी उत्तेजना नज़र आ रही है। अपने हालात को बहुत विनम्रता से संभाले रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? बदलती हुई परिस्थितियों के पीछे भी आपके फैसले हैं और बढ़ते हुए खर्चों के पीछे भी आपके फैसले हैं, इसलिए अपने फैसलों पर एक नज़र रखनी होगी। हो सकता है समय के साथ आपको अपने फैसलों पर फिर से गौर करना पड़े, इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही आपको अपने हालात संभालने होंगे। कुंभ राशि वाले लोगों से जुड़ेंगे तो उनकी अच्छाई को समझ पाएंगे और अपने विचारों को उसी रूप से ढाल पाएंगे। कोई दोस्ती का एक हाथ आगे बढ़ाए तो आपको बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए समय? ज़िंदगी में तरक्की पाने का समय है और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन बढ़ाने का समय। आप थोड़ी सी कोशिश करें, सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप चलता चला जाएगा, पर आपको कुछ बेहतर करने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। मीन राशि वालों को लोग शायद उतना समझ ना पाएं और इस वजह से रिश्तों का तकरार बना रहे। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे तो शायद उसमें भी आपको शायद कोई ना कोई कमी ही नजर आए। क्या करना चाहिए समय? कामकाज को लेकर जो भी सूझबूझ से फैसले करेंगे उसका अच्छा असर बहुत दूर तक जाएगा और आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनी रहेंगी। ऐसे में लोगों की नाराजगियों को संभाल लें तो और भी फायदा हो जाएगा। तो इस समय की प्राथमिकता को समझें जो रिश्तों को बेहतर समझने के लिए आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं।